गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेदांता स्टडीज़ में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट वन में हमने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था, और पार्ट टू में जो है अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे दोनों जो हमारी कविताएं हैं, उत्साह और अटनई रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो कविता है ये हमारी पहली कविता है उत्साह। ठीक है, और उत्साह कविता में जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कि उत्साह कविता में आप देख रहे हैं कि बादल गरजो, ये जो है पहला वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बादल गरजो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस कविता में बादल के माध्यम से कवि जो है हमें कुछ संदेश देना चाहता है। ठीक है, और डायरेक्टली जो हम बात करें तो इसमें बादल के गरजने के लिए बरसने के लिए यहाँ पे कवि बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे जो है एक दूसरा अर्थ छिपा हुआ है बादल के गरजने और बरसने के पीछे, उसके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि बादल के गरजने का क्या मतलब है और बादल के बरसने से जो है कवि ने यहाँ पे क्या अर्थ लिया है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बादल जो इसमें जो कवि इसमें सॉरी उत्साह जो कविता है इसमें बादल के माध्यम से जो है कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उत्साह कविता की उत्साह जो कविता है उसमें ये जो पूरा जो दो जो इसमें काव्यांश हैं, ठीक है, दो जो पद यहाँ पे लिए गए हैं इनमें देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, पहला जो वर्ड है बादल गरजो, इसका मतलब आपको सीधा सा सिंपल सा जो है समझ में आ रहा है कि वो बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। ठीक है, कि बादल तुम जो है गरजो, और घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, घेर घेर यानी कि तुम आसमान में जो है उमड़ उमड़ करके भयंकर रूप से, गगन का मतलब है यहाँ पे आकाश। ठीक है, घेर घेर घोर, ठीक है, तो घोर का मतलब एक तरह से भयंकर, और घेर घेर मतलब आकाश में जो है भयंकर रूप से उमड़ घुमड़ करके, और धाराधर यानी कि बादल, कि हे बादल तुम जो है गरजो, और कैसे गरजो, आकाश में जो है उमड़ घुमड़ करके और भयंकर रूप से तुम जो है गरजो। फिर कवि जो है आगे जो है तीसरी पंक्ति में यानी तीसरी जो लाइन में वो ये कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले, यानी कि अब जो है वो कवि जब बादलों को आसमान में देखता है तो उनको बादलों का जो स्वरूप है, बादलों को जब वो देखता है तो कैसा लगता है बादलों का स्वरूप, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर उनका जो रूप है वो बहुत ही सुंदर सुंदर उनको लगता है, और काले घुंघराले यानी उन जो बादलों को जब वो देखता है तो काले बादल होते हैं, और बादलों को जो अब जब हम देखते हैं कि बादलों की जब हम ड्राइंग भी बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो बादल हैं जो काले जो बादल हैं वो कवि को ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो जो है जो एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे के जो काले और घुंघराले बाल होते हैं उनके समान जो है उन बादलों का स्वरूप जो है कवि को वहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, फिर कवि जो है यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत सॉरी बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि जो है कवि जो है कभी कह रहा है कि वहाँ पे उन बादलों को जो है देखने से ऐसा लगता है कि उनका जो स्वरूप है एक जो बालक की जो कल्पना होती है उसके समान उनको जो है वहाँ पे लग रहा है, और बालक के जो काले जो घुंघराले बाल होते हैं उनके समान जो है उनका स्वरूप जो है वहाँ पे लग रहा है। और फिर आगे जो है वो कवि वहाँ पे कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि का मतलब है कि बादल जो है अपने हृदय के अंदर जो है बिजली को समाये हुए हैं, विद्युत छवि को जो है वो समाये हुए हैं, और जो है यहाँ पे तो विद्युत छवि का मतलब हो गया कि जैसे बादल जब कड़कते हैं, बिजली जब कड़कती है उसके अंदर तो हमें बिजली जो है वहाँ पे बिजली की जो तेज कड़कती है तो बिजली कड़कती हुई जो हमें आसमान में दिखाई देती है, तो यहाँ पे जो है उसी विद्युत छवि की वहाँ पे कवि जो है बात कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में जो है उर का मतलब है यहाँ पे हृदय, तो तुम्हारे हृदय में जो है तुमने विद्युत छवि को जो है छिपा रखा है, और कवि यहाँ पे कह रहा है कि तुम कैसे हो नवजीवन, यानी कि जो है लोगों को नया जीवन देने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा का मतलब वो कवि यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे तुमने जो है अपने आप यानी अपने अंदर जो है कठोर जो है, वज्र का मतलब यहाँ पे हो गया कठोर और भीषण जो है एक हथियार जो है छिपा रखा है, और नूतन कविता यानी कि तुम जो है एक नवीन जो एक नई जो कविता होती है उसकी कल्पना से लोग जो है मेरे मन को भर देने वाले हो, और इसलिए जो है कवि वहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे जो हृदय है उसके अंदर वज्र छिपा हुआ है और तुम जो है मेरे मन में फिर से एक नूतन कविता, नूतन कविता मतलब नई कविता फिर भर दो, यानी कि मेरा मन जो है ऐसा कर दो कि मैं जो है फिर से वापस से जो है नई कविता लिख पाऊँ, और बादल गरजो, फिर वो वापस से कह रहा है कि बादल गरजो। अब देखो यहाँ पे
तो हमने यहाँ पे एक सीधे सीधे अर्थ में जो है इस कविता के उनके जो भावार्थ जो निकलता है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की, लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न बनते हैं तो कवि जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि बादल गरजो, तो बादल के गरजने वाले स्वरूप से जो है कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली तो बादलों को गरजने के लिए कह रहा है, बादलों का स्वरूप उसको जो है नया नया काले घुंघराले उनके बच्चे के बालों के समान लग रहा है, एक बाल कल्पना के समान जो है बादल उनको लग रहे हैं, विद्युत छवि को अपने हृदय में समाये हुए हैं, नए जीवन वाले हैं, वज्र छिपा हुआ है और नई कविता से भरने वाले हैं उनके जो मन को जो है बादल। लेकिन यहाँ पे जो है कवि बादलों के गरजने वाले स्वरूप से जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जो समाज का जो शोषित और पीड़ित जो वर्ग है उस वर्ग को जो है यहाँ पे बादलों के गरजने के माध्यम से जो है वहाँ पे ये संदेश देना चाहता है कि हे समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग, तुम जो है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों के खिलाफ गरजो, या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्रांति कर दो जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बादल के गरजने वाले स्वरूप से कवि जो है क्रांति करने का संदेश दे रहा है, किनको दे रहा है, समाज के दलित और शोषित वर्ग को, किनके खिलाफ, ऐसे लोग जो उनका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से बादल के गरजने वाले स्वरूप में कवि ने ये स्पष्ट करना चाहा है। फिर देखिए आगे, अब यहाँ पे जो सेकंड जो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो दूसरा जो काव्यांश है, इसमें कवि ने बादल के बरसने वाले स्वरूप की बात की, यानी कि बादल जब बरसेगा तो क्या होगा। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल का मतलब व्याकुल व्याकुल, और व्याकुल कौन लोग हैं, ऐसे लोग जो बादलों के बरसने की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि बादल जो है कब बरसेंगे, तो ऐसे लोग जो है बहुत ही व्याकुल हैं उनके इंतजार में। और उन्मन के उन्मन, उन्मन का मतलब है अनमना, उदास, और उन लोगों का मन जो है क्योंकि बादल नहीं बरस रहे हैं तो उनका मन जो है बहुत ही अनमना है, उनका मन नहीं लग रहा है, अनमना का मतलब मन नहीं लगना, और उनका मन जो है बहुत ही उदास है। ठीक है, तो वहाँ पे कवि ये कह रहा है कि जब बादल एक तरह से नहीं बरस रहे हैं तो उसके कारण से जो लोग हैं वो व्याकुल हैं, ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा है और वो उदास हैं। और फिर आगे कह रहा है, विश्व के निधाग के सकल जन, कौन उदास हैं, विश्व यानी कि संसार के, ठीक है, निधाग के यानी निधाग यानी कि गर्मी से, और सकल जन का मतलब सभी जन, सकल का मतलब सारे, जन का मतलब लोग, तो विश्व के सारे जो लोग हैं वो गर्मी से बहुत ही व्याकुल हैं और बहुत ही उदास हैं, ठीक है, और एक तरह से बादलों के बरसने का जो है वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर कवि थर्ड जो पंक्ति है, तीसरी जो पंक्ति है, उसमें कह रहा है बादलों के लिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि बादलों के लिए कह रहा है कि फिर बादल जो है वो अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, यानी कि अचानक से ही जो है बादल आ जाते हैं और अज्ञात दिशा से, यानी ऐसी दिशा जिसका बारे में मालूम नहीं है, ऐसी अज्ञात दिशा से वो आ रहे हैं अनंत के घन, अनंत का मतलब आकाश के, क्योंकि आकाश को हम अनंत बोल सकते हैं क्योंकि वो समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि अनंत यानी आकाश के जो बादल हैं वो किसी अज्ञात दिशा से आते हैं, और फिर जो है वो बादलों को वहाँ पे कवि कह रहा है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा का मतलब तपती हुई और धरा का मतलब पृथ्वी, तो यहाँ पे तप्त का मतलब गर्म या फिर तपती हुई और धरा मतलब पृथ्वी, तो वो कह रहा है कि हे बादल तुम जो है इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, शीतल मतलब ठंडा कर दो, बादल गरजो, फिर वहाँ पे वो कह रहा है कि बादल गरजो। तो यानी इस तरह से जो है यहाँ पे कवि ने पहला जो काव्यांश है इसमें बादलों के गरजने की बात की, लेकिन दूसरे कविता में जो दूसरा जो काव्यांश है उसमें वो जो है बादलों के बरसने वाले स्वरूप की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे एक कुछ शब्दार्थ ले लेते हैं कि घोर का मतलब भयंकर, धाराधर मतलब बादल, ललित मतलब सुंदर, वज्र मतलब कठोर और भीषण, नूतन मतलब नई, विकल मतलब व्याकुल, उन्मन मतलब अनमना या उदास, निधाग मतलब गर्मी, सकल मतलब सारे, तप्त मतलब गर्म और धारा मतलब पृथ्वी। तो इस तरह से ये जो है कठिन शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आपको जो कि नोटबुक में करना है, और वैसे मैं इनका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के और पीडीएफ फाइल बना करके भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये जो कविता है इसके जो क्वेश्चन आंसर जो आपको भेजे जाएंगे पीडीएफ में, उनको करने से पहले आप पहले शब्दार्थ करेंगे और फिर उसके बाद में जो है इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारी इसी चैप्टर की दूसरी कविता, अट नहीं रही है। ठीक है, तो अट नहीं रही कविता में कवि ने जो है यहाँ पे बात की है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको मैं कि अट नहीं रही कविता में यहाँ पे कवि ने
जो फागुन की जो सुंदरता होती है, फागुन के महीने की लगभग फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में जो फागुन का महीना आता है, उस वक्त की जो सौंदर्य जो सुंदरता होती है और प्रकृति जो अपनी सुंदरता जो बिखेरती है, उसी की बात जो है यहाँ पे की गई है कि प्रकृति का जो स्वरूप है वो उस वक्त कवि को कितना सुंदर लग रहा है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो चलिए आइए देखते हैं। कवि यहाँ पे कहता है कि देखिए, अट नहीं रही है आवा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब है समाना। अब यहाँ पे देखिए कि अट, पट और सट, अगर ये तीनों शब्द इसमें कहीं पे भी आते हैं तो इसका मतलब होगा समाना। तो यहाँ पे अट नहीं रही है का मतलब हो गया कि समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा यानी कि सुंदरता या चमक, किसकी? फागुन की। तो फागुन का जो महीना है उस वक्त जो प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है कि चारों तरफ हरियाली होती है, ठीक है, फसलें जो है लगभग पकने को तैयार होती हैं, तो उनकी हरियाली से जो है वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है और जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे भी जो है एक तरह से हरियाली होती है और जो पौधे होते हैं फूलों के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर जो है नए नए रंग बिरंगे फूल जो है आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उस वक्त जो है ना सर्दी होती है अगर ज़्यादा और ना ही गर्मी होती है, तो जो मौसम है वो भी बहुत सुहावना होता है। तो उसी सुंदरता की जो है प्रकृति का जो वातावरण है उसी की सुंदरता की यहाँ पे बात की कर रहे कवि जो है वहाँ पे जो है कर रहा है और वो कह रहा है कि जो वो सुंदरता है फागुन की वो मेरे तन मन में जो है वो समा नहीं रही है और उसी को मैं अपने शब्दों के द्वारा यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ। तो सट नहीं रही है का मतलब भी समा नहीं रही है। फिर देखिए आगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो का मतलब है यहाँ पे फूलों की बात की जा रही है कि फूल जब खिलते हैं तो कभी यहाँ पे उनको सांस लेना बताता है कि कब जो फूल जो है धीरे धीरे जब प्रकृति में जो है खिलते हैं तो वो सांस लेते हैं और उनकी खुशबू से जो है क्या हो जाता है घर घर भर देते हो। और इसीलिए वो कभी जो है उन फूलों के लिए कह रहा है कि जब वो फूल जो प्रकृति में खिलते हैं तो उनकी खुशबू से जो है वो घर घर महकने लग जाता है। फिर है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब यहाँ पे उड़ने को नभ में तुम, नभ का मतलब है यहाँ पे आकाश और पर का मतलब है यहाँ पे पंख ही पंख। तो यहाँ पे पक्षियों की बात की जा रही है कि जो रंग बिरंगे पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो उनके पंखों से जो आकाश है वो भी रंग बिरंगा हो जाता है और वो उड़ते हुए रंग बिरंगे जो पक्षी हैं वो बहुत ही सुंदर जो है दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि उड़ने को नभ में, तो यानी पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो पंख ही पंख जो है वो कर देते हैं आकाश में और उनके पंखों से जो है वातावरण जो आकाश जो है वो रंग बिरंगा आकाश जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसीलिए कवि जो है कह रहा है कि जब मैं ऐसी सुंदरता को देखता हूँ तो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि मैं अगर अपनी आँख जो है ऐसी सुंदरता से हटाना भी चाहूँ तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आगे जो है वो यहाँ पे पेड़ पौधों की बात कर रहा है कभी कि पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं, डाल का मतलब जो पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो लदी हुई हैं पत्तों से, यानी जो हरे हरे जो पत्ते हैं और कहीं कई जो पेड़ पौधे होते हैं देखते हैं कि हम जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें रंग बिरंगी पत्तियाँ आती हैं, किसी में जो है हल्की जो है लाल कलर की पत्तियाँ आती हैं, किसी में गुलाबी कलर की पत्तियाँ आती हैं, तो उन पत्तियों से जो है कहीं हरी कहीं लाल जो पत्तियों से जो है वो पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं वो लदी हुई हैं, यानी कि वो भरी हुई हैं पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पड़ी है उर का मतलब हृदय या फिर जो है गला हम कह सकते हैं कि कहीं पे जो है जब हम पौधों को देखते हैं, जो फूलों के जो पौधे हैं जो फूलों से जो है एकदम घिरे हुए हैं यानी फूलों से लदे हुए हैं वो, तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने गले में जो है एक फूलों की जो माला है वो पहन रखी है। तो यहीं जो यहाँ पे जो है उसी की बात आ रही है कि कहीं पड़ी है उर्मे, यानी उनको देख कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जो है अपने हृदय पर या फिर अपने गले में जो है वो मंद गंध पुष्प माल, यानी कि मंद गंध का मतलब हो गया यहाँ पे भीनी भीनी महक, जो भीनी भीनी खुशबू देने वाले जो पुष्प हैं उनकी माला, पुष्प माल यानी फूलों की जो माला है, मंद गंध यानी भीनी भीनी महक देने वाले जो फूलों की माला है उसको उन्होंने जो है अपने गले में पहन रखा है, अपने गले में जो है धारण किया हुआ है, उनको देख करके ऐसा लगता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब यहाँ पे जगह जगह, शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर जो प्रकृति है, तो जगह जगह सौंदर्य से भरपूर जो प्रकृति है उसकी सुंदरता है वो पट नहीं रही है, यानी कि वो समा नहीं रही है। वो प्रकृति जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और
जो है एक तरह से बहुत ही सुंदर जो है वो दिखाई दे रही है, सौंदर्य से भरपूर प्रकृति है और इसी कारण से उसकी सुंदरता को देख करके और कवि की जो आँखें हैं उससे हट नहीं पा रही हैं और वो लगातार उस सुंदरता को देखे जा रहा है और अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने यहाँ पे उस प्रकृति की सुंदरता को प्रकट किया है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे दोनों कविताएं देखी, उत्साह जिसमें बादल के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है और अट नहीं रही कविता में जिसमें उन्होंने फागुन की सुंदरता की, फागुन का जो महीना है उसके सौंदर्य की बात यहाँ पे की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। अट पट और सट का मतलब होता है समाना, आभा का मतलब चमक और सुंदरता, नव मतलब आकाश, उर मतलब हृदय, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, और पर मतलब पंखी पंख, और मंद गंध मतलब भीनी भीनी महक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो है इस कविता में अट नहीं रही में जो है फागुन की सुंदरता की बात की जा रही है। तो अब जो है मैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको पीडीएफ में फाइल में जो आपको सेंड करूँगा तो उनको आप करेंगे और जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।